हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट्स मेशर। द टॉपिक इज थ्रेशिंग इन ऑपरेटिंग सिस्टम। थ्रेशिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थ्रेशिंग जो है वो डायरेक्टली लिंक्ड है डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग से। डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग एक्चुअल में क्या होता है कि कितने प्रोसेसेस मेरे रैम के अंदर प्रेजेंट है, मतलब कि ज्यादा से ज्यादा प्रोसेसेस को अगर मैं रैम के अंदर लेके आता हूँ तो वो डायरेक्टली जो है सीपी यूटिलाइजेशन को इंक्रीज करता है। मतलब कि ज्यादा से ज्यादा प्रोसेसेस को अगर रैम के अंदर लेके आएंगे, लेट्स से दिस इज द रैम, और रैम में एक्चुअली देयर इज अ लिमिटेशन इन द साइज, कि रैम का साइज जो है वो क्या होता है, लिमिटेड। तो अगर मैं लेट्स से कि सिर्फ दो तीन प्रोसेसेस को रैम के अंदर लेके आता हूं तो प्रॉब्लम क्या आती है कि कई बार प्रोसेसेस जो है वो डिमांड करते हैं इनपुट आउटपुट ऑपरेशन की। तो जैसे ही वो प्रोसेस इनपुट आउटपुट ऑपरेशन की डिमांड करते हैं तो प्रोसेस स्टेट्स के अकॉर्डिंग हम उनको ब्लॉक स्टेट में डाल देते हैं, तो उस टाइम पे सीपीयू जो होता है वो क्या हो जाता है, आइडल। तो सीपीयू के आइडल होते ही थ्रूपुट जो है वो कम हो जाएगी, मतलब परफॉर्मेंस जो है वो डिग्रेड होने लग जाएगी। तो सीपीयू को हमेशा हमने क्या रखना है, बिजी। तो सीपीयू को बिजी रखने के लिए और यूटिलाइजेशन को मैक्सिमम लाने के लिए मुझे ज्यादा से ज्यादा प्रोसेसेस को रैम के अंदर लेके आना पड़ेगा। लेकिन रैम जो है वो लिमिटेड है, तो मैं पूरे के पूरे प्रोसेस को रैम के अंदर नहीं ला सकता। तो हम क्या यूज करते हैं, यहाँ पे पेजिंग का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। और पेजिंग में हम क्या करते हैं, प्रोसेसेस को पेजेस में डिवाइड करके हम रैम के अंदर लेके आते हैं। मतलब अगर मेरे पास बहुत सारे प्रोसेसेस हैं, लेट्स से 100 प्रोसेसेस हैं, तो 100 प्रोसेसेस को पहले पेजेस में डिवाइड करेंगे और उन पेजेस को हम किसके अंदर लेके आएंगे, रैम के अंदर। तो यहां पे डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को मैक्सिमम कैसे किया जा सकता है, सिंपल सा फंडा है यहां पे कि डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग मैक्सिमम कैसे हो सकती है, अगर मैं सारे के सारे प्रोसेसेस का सिर्फ एक पेज रैम के अंदर लेके आऊंगा, तो यानी मेरे सब जितने भी मतलब मेरे प्रोसेसेस हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रोसेसेस की इन्वॉल्वमेंट कहां पे होगी, रैम के अंदर। मतलब सारे प्रोसेसेस को लगेगा कि हम रैम के अंदर प्रेजेंट है, लेकिन सारा पूरा का पूरा प्रोसेस रैम के अंदर नहीं होता, उसका सिर्फ एक या दो पेजेस को हम रैम के अंदर लेके आते हैं। मतलब मैं पूरे प्रोसेस को नहीं लेके आ रहा, एक प्रोसेस के 10% या 20% पोर्शन को ही रैम के अंदर लेके आ रहा हूं। तो उससे मेरे पास एडवांटेज तो है कि सीपीयू जब भी बोलेगा कि मेरे को पर्टिकुलर डेटा चाहिए, पर्टिकुलर प्रोसेस चाहिए, तो मैं वो पेज जो है वो सीपीयू को दे दूंगा। लेकिन यहां पे प्रॉब्लम क्या आ रही है, वर्स्ट केस में हो सकता है कि अगर लेट्स से कि मैं रैम के अंदर प्रोसेस P1 का पेज नंबर 1 ले आया, प्रोसेस P2 का पेज नंबर 1 ले आया, प्रोसेस P3 का पेज नंबर 1 ले आया, प्रोसेस P4 का पेज नंबर 1, लेट्स से प्रोसेस 100 का पेज नंबर 1, तो इससे मेरे को एक चीज तो अचीव होगी, वो क्या, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। मतलब मैंने ज्यादा से ज्यादा प्रोसेसेस को, मतलब मैक्सिमम प्रोसेसेस को मैंने रैम के अंदर लाने की कोशिश की। लेकिन इससे प्रॉब्लम क्या है, क्या पूरा का पूरा P1 प्रोसेस रैम के अंदर है, नहीं, सिर्फ उसका एक पेज रैम के अंदर प्रेजेंट है। अगर सीपीयू बोल रहा है कि आई नीड प्रोसेस P1 का पेज 1, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रोसेस P2 का पेज 1 तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रोसेस P3 का पेज 1 कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक केस ये भी हो सकता है कि अगर सीपीयू ने बोल दिया कि मेरे को पेज नंबर 2 चाहिए P1 का, पेज नंबर 2 P1 का कहीं पे प्रेजेंट है, नहीं प्रेजेंट, तो ये क्या होगा, पेज फॉल्ट। और जब भी पेज फॉल्ट होता है तो हम क्या यूज करते हैं, पेज फॉल्ट सर्विस टाइम। मतलब कहने का कि हम हार्ड डिस्क से पेज को लेके आएंगे मेन मेमोरी में, एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दिस टॉपिक कि व्हाट इज अ पेज फॉल्ट सर्विस टाइम इन वर्चुअल मेमोरी, सो यू कैन फॉलो दैट वीडियो। यहां पे हम बात करें थ्रेशिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर ऐसे ही अगर सीपीयू ने बोला कि मेरे को पेज नंबर 2 चाहिए P2 प्रोसेस का, वो भी प्रेजेंट नहीं है, फिर पेज फॉल्ट, प्रोसेस 3 का पेज नंबर 2 वो भी प्रेजेंट नहीं है, फिर पेज फॉल्ट, प्रोसेस 4 का पेज नंबर 2 और 3 वो भी प्रेजेंट नहीं है। तो यानी एक पॉइंट ऐसा भी आ सकता है कि हमने डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग तो मैक्सिमम कर दी, मतलब ज्यादा से ज्यादा प्रोसेसेस के पेजेस को मैं रैम के अंदर ले आया, लेकिन जो भी सीपीयू की डिमांड है वो पेज रैम के अंदर प्रेजेंट
नहीं है। तो जैसे ही पेज अगर रैम के अंदर प्रेजेंट नहीं होगा तो उसको हम बोलते हैं पेज फॉल्ट। और जब पेज फॉल्ट को सर्विस करते हैं इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। तो जो आपका सिस्टम है ऑपरेटिंग सिस्टम वो सारा का सारा बिजी किसमें हो जाएगा, पेज फॉल्ट को सर्विस करने में। ऑब्वियसली इससे जो मेरी परफॉर्मेंस है सिस्टम की वो डिग्रेड हो जाएगी। मतलब यही मैंने यहाँ पे इस डायग्राम से शो किया हुआ है। अगर मेरी डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग एक्स एक्सिस में है और सीपीयू यूटिलाइजेशन वाई में है, तो जैसे ही मैं डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को बढ़ाऊंगा, मतलब मैं डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को इंक्रीज कर रहा हूँ, मतलब ज्यादा से ज्यादा प्रोसेसिस को रैम के अंदर लेके आ रहा हूं। जैसे ज्यादा से ज्यादा प्रोसेसिस को रैम के अंदर लेके आ रहा हूं, तो अगर एक या दो प्रोसेस ने बोल दिया कि यार मेरे को तो कोई इनपुट आउटपुट ऑपरेशन करना है, तो वो रनिंग स्टेट से ब्लॉक स्टेट में चले गए, तो सीपीयू खाली नहीं बैठेगा क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे प्रोसेसेस है रेडी स्टेट में, मैं रेडी स्टेट से उठा उठा के रनिंग स्टेट में डालता जाऊंगा। तो मेरी जो यूटिलाइजेशन है सीपीयू की वो बहुत अच्छी चलेगी, इंक्रीज होगी ग्रेजुअली। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा, लेट्स से लैम्डा, उस पॉइंट पे मेरी डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग जो है वो मैक्सिमम है, और सॉरी डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग सीपीयू यूटिलाइजेशन जो है वो मैक्सिमम है डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे है। लेकिन उसके बाद एकदम से यहां पे क्या होगा, थ्रेशिंग। थ्रेशिंग का मतलब कि इतने सारे पेज फॉल्ट हो गए, पेज हिट जो है वो कम रह गए और पेज फॉल्ट जो है वो हैवी हो गए, और पेज फॉल्ट की वजह से सिस्टम का सारा टाइम कहाँ पे वेस्ट हो रहा है, पेजेस को सर्विस करने, मतलब हार्ड डिस्क से पेजेस को मेन मेमोरी में लाने में। तो सीपीयू तो फिर आइडली बैठा रहेगा उस केस में, तो उस वजह से सीपीयू यूटिलाइजेशन एकदम से डिक्रीज होगी। दिस इज द टॉपिक, दिस इज द फंडा ऑफ द थ्रेशिंग। तो हम इसको कैसे रिमूव कर सकते हैं, अगर मुझे थ्रेशिंग को हटाना है तो कैसे हटा सकते हैं? एक सिंपल सा एग्जांपल है या एक सिंपल सा मेथड है कि या तो आप मेन मेमोरी के साइज को इंक्रीज कर दो, मतलब मेन मेमोरी साइज इंक्रीज्ड। लेकिन मेन मेमोरी साइज को इंक्रीज करना इज नॉट अ इजी टास्क। अगर आप एक पर्टिकुलर लैपटॉप या पर्टिकुलर मशीन खरीद रहे हो तो इट इज नॉट वेरी इजी टू इंक्रीज द मेन मेमोरी ऑन अ रेगुलर बेसिस। आप कुछ पर्टिकुलर टाइम के बाद तो बढ़ा दोगे लेकिन रेगुलर बेसिस पे नहीं कर सकते। तो फिर इस केस में एक और सोल्यूशन भी हो सकता है कि लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम में तीन टाइप के शेड्यूलर होते हैं, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मिडल टर्म। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि ज्यादा से ज्यादा प्रोसेसेस को रैम के अंदर, मतलब रेडी स्टेट के अंदर लेके आना। तो ज्यादा से ज्यादा प्रोसेसेस को रैम के अंदर लेके आना, अगर हम लॉन्ग टर्म शेड्यूलर को बोल दें कि यार अपनी स्पीड थोड़ी कम कर, मतलब डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को बिल्कुल मैक्सिमम लेवल पे मत लेके जाओ, थोड़ा सा उसको कम कर दो, तो ऑब्वियसली मेरी यहाँ पे थ्रेशिंग जो है वो बच सकती है। तो मतलब इन दो पॉइंट से हम कहीं ना कहीं डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को कंट्रोल कर सकते हैं और उसकी वजह से थ्रेशिंग को हम बचा सकते हैं। अदरवाइज सिस्टम थ्रेशिंग में आएगा तो सारी सीपीयू यूटिलाइजेशन बिल्कुल डिग्रेड हो जाएगी और उससे परफॉर्मेंस और थ्रूपुट भी जो है वो बिल्कुल डिक्रीज हो जाएगी। थैंक यू।